चले पिछले 23 दिनों से 21 सूत्रीय मांगों को लेकर रोजगार यानी बेरोजगार शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। रोजगार की मांग को लेकर मांगों पर कोई सहमति नहीं बनने के बाद प्रदेश के बेरोजगारों ने उत्तर प्रदेश कूच के साथ ही आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मांगों को लेकर बेरोजगारों ने उत्तर प्रदेश में 24 नवम्बर के महापड़ाव की चेतावनी दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की होने वाली सभी सभाओं में अपने मांगों को लेकर सभा स्थल पर महापड़ाव की चेतावनी भी दी है। बेरोजगारों का कहना है कि अगर उनकी बातों को अभी भी नहीं सुना गया तो वो अब आने वाले वक्त में, चूंकि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में प्रियंका गांधी की जहां जहां वहां पर रैलियां होंगी वहां वहां जाकर कांग्रेस का विरोध करेंगे और उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। कल काली दिवाली मनाई गई थी, बाकायदा दीयों को काले रंग से पेंट करके उनको जलाया गया था और पिछले 23 दिनों से यहीं पर पड़ाव डाले बैठे हैं ये बेरोजगार। नवंबर को हमारे जो प्रतिनिधिमंडल 21 सदस्य है वहां उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, वहां 1000 लोगों की रुकने की व्यवस्था करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जहां जहां प्रियंका गांधी जाएगी उस रैलियों में जाकर विरोध करेंगे, कांग्रेस का विरोध जताएंगे